उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संचालित विद्या भवन रॉयल इंस्टीट्यूट विद्या भवन सोसाइटी की ही एक महत्वपूर्ण संस्था है। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से प्रेरित तथा स्काउट की मुहिम से प्रभावित डॉक्टर मोहन सिंह मेहता द्वारा जिम्मेदार नागरिक और नेतृत्व के गुणों को विकसित करने तथा सामाजिक न्याय और समावेशी मूल्यों को जीवंत बनाने के लिए 1931 में जिस विद्या भवन सोसाइटी को स्थापित किया गया उसी के एक अंग के रूप में 1956 में विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। यह संस्था 1956 में भाई साहब के उस विजन के तहत अस्तित्व में आई जिसमें पूरे देश भर में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 13 ग्रामीण शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई थी। अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान तक यह संस्था सामाजिक भिन्नताओं के साथ विभिन्न प्रवृत्तियों वाले सभी विशेषकर ग्रामीण और वंचित तबकों के विद्यार्थियों को सर्वोपयोगी शिक्षा देने और उन्हें सक्रिय तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करने के कृत संकल्प के साथ कार्य करती आ रही है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए समय और आवश्यकता के मद्देनजर रूरल इंस्टीट्यूट ने अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार किया और आज महाविद्यालय में स्नातक स्तर के 7 और स्नातकोत्तर स्तर के 8 विषयों में पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। संस्थान द्वारा प्रदत्त शिक्षा इतनी गुणवत्तापूर्ण रही है कि विदेशों से भी एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अतीत में यहाँ पर ज्ञानार्जन किया है। अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान तक हजारों विद्यार्थियों को शिक्षित करने का कार्य संस्था द्वारा किया जा चुका है जो आज भी अनवरत जारी है। इस दौरान हमने ग्रामीण समाज शास्त्र, ग्रामीण विकास और विस्तार, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट तथा एनालिटिकल केमिस्ट्री जैसे पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की पहल की। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे इन नवाचारों को प्रदेश भर में व्यापक मान्यता मिली। 2010 में सरकारी अनुदान की समाप्ति के पश्चात और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी कॉलेज खुलने के बावजूद रूरल इंस्टीट्यूट प्रतिवर्ष 1400 से 1500 विद्यार्थियों को सैद्धांतिक, व्यावहारिक और समाजोपयोगी ज्ञान प्रदान कर समाज को समृद्ध करने का कार्य कर रहा है। यही नहीं, महाविद्यालय के कई पूर्व और वर्तमान सदस्य शोध निदेशक के रूप में कार्य करते हुए कई समसामयिक और अकादमिक विषयों पर विद्यार्थियों के माध्यम से शोध कार्य को संपन्न करवा रहे हैं। जहाँ अन्य महाविद्यालय निजी क्षेत्र में शिक्षक केवल अध्यापन के कार्य से जुड़े रहे हैं, वही रूरल इंस्टीट्यूट के शिक्षकों का पिछले 3 दशकों से शोध कार्यों को करवाना हमारी संस्था की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। महाविद्यालय में विमर्श के महत्व को स्वीकार करते हुए समय समय पर राष्ट्रीय स्तर की सेमिनारों का आयोजन भी होता आया है। महाविद्यालय में हमने शिक्षण और शोध दोनों को प्रभावी बनाने के लिए जहाँ अपनी प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाया है, वहीं एक वृहद पुस्तकालय और बुक बैंक की सुविधा के माध्यम से भी विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति जोड़ने का काम किया है। आज महाविद्यालय में सभी विषयों की मिलकर 15 प्रयोगशालाएं हैं और 50,000 से अधिक विविध विषयों की पुस्तकें अध्ययन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय की तरफ से बाहरी छात्रों के लिए छात्रावास और आधुनिक कैंटीन की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। महाविद्यालय में प्रतिवर्ष नियमित रूप से आयोजित होने वाली विभागीय और संस्थागत सह शैक्षणिक गतिविधियां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने में सहायक रही है। इन गतिविधियों में विस्तार व्याख्यान, औद्योगिक भ्रमण, विविध सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल है। हमें यह बताते हुए भी गर्व होता है कि वॉलीबॉल जैसे खेल में हमारे महाविद्यालय की टीम लंबे समय तक विश्वविद्यालय में चैंपियन रही है। पिछले कुछ वर्षों से तीरंदाजी, शतरंज, टीटी आदि खेलों में भी हमारे विद्यार्थियों का प्रदर्शन अतुलनीय रहा है, जिसमें छात्राओं की उत्कृष्ट भागीदारी को भी नकारा नहीं जा सकता। हमारे कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है, जिसमें दिलीप खोईवाल, अभिषेक निनोमा आदि प्रमुख है। पृथक खेल विभाग, पर्याप्त खेल संसाधन और खेल मैदान हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक बने हैं। आज विद्या भवन के 90 वर्ष पूर्ण होने और रूरल इंस्टीट्यूट के 65 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इसके सभी सदस्य पूर्ण उत्साह, कर्मठता, प्रतिबद्धता, लगन और सहकार की भावना के साथ भाई साहब मोहन सिंह जी मेहता द्वारा स्थापित मूल्यों के अनुरूप कार्य कर विद्या भवन की पहचान को और पुख्ता करने में निरंतर प्रयासरत हैं। धन्यवाद।